पर हम जा रहे हैं नैनी डांडा माकूट। अरे सर राइडर लंगूरी अंकल जी, ये नैनी डांडे के लिए ही है रूम धुमाकोट।
यहाँ पे और आखिरकार धुमाकोट स्कूल में व्यूज दिखा देता हूँ मैं आपको आगे। बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं स्कूल का, भव्य नज़ारा, और काफ़ी अच्छा लगा आके स्कूल में। और ये बाहर की साइड देखेंगे आप तो यहाँ पे स्कूल बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए बना हुआ है, और पीछे पूरा स्कूल है धुमाकोट इंटर कॉलेज। और हमारे साथ हमारे भाई साहब, इनसे कुछ वार्तालाप। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको? हालत ख़राब हो गई इनकी, गाड़ी चलाते चलाते छाले पड़ गए शायद हाथ पे, छाले पड़ गए। पूरी रोड पे इन्होंने गाड़ी चलाई, शायद 3 घंटे का रास्ता रहा होगा और 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर 3 घंटे का रास्ता, रोड बिल्कुल ख़त्म ख़त्म। रोड ये मान के चलो आपकी पहाड़ का इलाका देख, आप पहाड़ सुन के ही आप देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा रहा होगा। और अच्छा लगा, स्कूल में गए, मास्टरों से मिले, और थोड़ा सा पर्सनल काम था, और यहाँ पे आके ये पूरा मैदान यहाँ डेवलप है इधर साइड थोड़ा सा हल्का सा। स्कूल की बात करें तो बच्चे हैं नहीं हैं वो अलग बात है, पर डेवलप है और काफ़ी अच्छा है। हाँ तो क्या कहेंगे आप अपना अनुभव? अनुभव हालत ख़राब, जुकाम बुखार सब एक जैसा ही था, और हालत डाउन, और थोड़ा सा रुक के चलेंगे, थक गए हैं पूरा। सुबह से अभी कुछ खाया भी नहीं है किसी ने, नहीं ना इन्होंने खा रखा ना हमने खा रखा। और टेंपल अब देखते हैं हमारे धन्नो, आज बेहतरीन नज़ारा रहा इसके साथ आपको, आगे का व्यू तो हम दिखाते ही रहेंगे। यहाँ से अब वापस जाने का समय आ चुका है हमारा, और धुमाकोट बेहतरीन जगह, स्पेस काफ़ी है यहाँ पे, देखेंगे आप फील्ड लगा है, स्पेस बहुत है, देवदार के वृक्ष हैं। और अब चलते हैं, क्या व्यूज है आप यहाँ से देख सकते हैं। और वादियों के बीच हम अब गाड़ी हम चलाते हैं देखते हैं कैसा ड्राइव है इसका। बारिश होना लगती है, चलिए लम्बे चलो लो।
और जा रहे हैं नीचे। अब 12 बजे तक, 12 बजे तक यहाँ पहुँचना शाम तो 1 बजे पहुँचना वो बंद हो निकल चुका है और भाई साहब रेडी हो रहे हैं तो चलते हैं। इसके बाद पर्यावरण आपको दिखाई दे रहा होगा, बेहतरीन नज़ारे यहाँ। और अब पहनते हैं और चलते हैं, आगे का सफ़र आपको बता तो देंगे ही हम आगे। और चलो अच्छा भी रहा, चल रहा छो। हाँ, वी की बट लगो वापस।